गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निवेदिता सिंहदेव, मारवाड़ी कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 11th इंग्लिश कोर, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स. एज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द टेक्स्ट बुक एंड द बुक इज हॉर्नबिल. क्लास 11th इंग्लिश कोर ये ने 100 मार्क्स टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल लेसन नंबर 6 सिल्क रोड बाय निक मिडलटन. एज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड लेसन नंबर 6 सिल्क रोड एंड सीन दैट द नरेटर हैज स्टार्टेड फॉर अ जर्नी टूवर्ड्स माउंट कैलाश विथ हिज लोकल गाइड टिस्टन. दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम रावू and now they have reached a mountain area and they have gained heights. By late afternoon they reached the small town of Hor. It was on the old trade route from Lhasa to Kashmir. They bade farewell to Daniel who was returning to Lhasa. They had suffered 2 punctures and got them fixed. Hor was a dull and miserable place. There was no vegetation anywhere, just dust, rocks and scattered refuse. It was quite unfortunate that a small town on the shore of Lake Mansarovar could be so dirty. Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers. Actually, only the Satluj flows from the lake, other rises nearby on the flanks of Mount Kailash. They had tea in Hor's only cafe. Then they drove westwards out of town towards Mount Kailash. The narrator's bitter experience of Hor came as a stark contrast to accounts he had read of earlier travelers. देर दोपहर बाद वे हौर के छोटे से कस्बे में पहुंचे. वो लाशा से कश्मीर के पुराने व्यापार मार्ग पर था. उन्होंने वहां डेनियल, जो लाशा वापस जा रहा था, को अलविदा कहा. उनकी गाड़ी के 2 पंक्चर हो गए थे जो उन्होंने ठीक करवा लिए. होर एक नीरस और दयनीय स्थान था. कहीं भी वनस्पति नहीं थी, सिर्फ धूल, चट्टानों और बिखरा पड़ा कूड़ा. यह दुर्भाग्य की बात थी कि मानसरोवर के तट पर बसा यह छोटा सा कस्बा इतना गंदा हो सकता था. हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में मानसरोवर का को भारत की 4 महान नदियों का स्रोत कहा गया है. वास्तव में केवल सतलज की झील ही झील से बाहर कर निकलती है. दूसरी नदियां कैलाश पर्वत के नज़दीकी किनारों से निकलती है. उन्होंने हौर के केवल मात्र कॉफ़ी घर में चाय पी. फिर से वे कैलाश पर्वत की ओर कस्बे से बाहर पश्चिम की तरफ निकल गए. वर्णकर्ता का हौर का कटु वर्णन इससे पहले वहां आए यात्रियों के वर्णन से बिल्कुल विरोधाभासी है, जैसे उसने पढ़ा था. इट वॉज डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड दार्चन. द नरेटर सफर्ड फ्रॉम बैड कोल्ड, वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक्ड. ही वॉज गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन. हिज चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हेवी. ही फेल्ट अनइजी. When he tried to lie down, sitting up made him feel better. Tristan took him to the Darchen Medical College. A Tibetan doctor examined him. His sleepless symptoms were due to the effect of altitude. After taking the medicine, he slept very soundly that night. Tristan left him to return to Lhasa. The town had a couple of small general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions, and of course strings of prayer flags. It was not the tourist season. The narrator was too early.
जब तक वे डार्चन पहुंचे अंधेरा हो गया था। लेखक जुकाम से पीड़ित था, उसके नाक की एक पट्टिका अवरुद्ध हो गई थी, वो ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा था, उसकी छाती विचित्र रूप से भारी महसूस हो रही थी। जब वो लौटने का प्रयत्न करता तो उसे बेचैनी होती, बैठे रहने से उसे चैन मिलता। टिस्टन उसे दार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। एक तिब्बती डॉक्टर ने उसे जांच की और उसकी नींद न आने के लक्षण अधिक ऊंचाई के प्रभाव के कारण थे। दवाई लेने के बाद उस रात वो गहरी नींद सोया। टिस्टन ने लाशा जाने के लिए उससे अलविदा कहा। कस्बे में एक दो छोटी परचून की दुकानें थीं जो चीनी, सिगरेट, साबुन और दूसरी आवश्यक सामान और निस्संदेह प्रार्थना झंडों की लड़ियों को बेचती थी। वह सैलानियों का सीजन नहीं था, लेखक काफी समय पहले वहां आ गया था। द नरेटर मेट नोरबू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफे इन दार्चन। नोरबू आस्क्ड इफ ही कुड सिट अपोजिट टू द नरेटर। बोथ ऑफ देम स्ट्रक अ कन्वर्सेशन। नोरबू वॉज अ टिबेटियन। He worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science. He was on some sort of field work there. He told that he had come to do the Kora. The narrator decided that perhaps Norbu could turn out to be an ideal companion. He suggested that they should hire some yaks to carry their luggage. His suggestion was readily accepted. वर्णकर्ता नोरबू से दार्चन के एक छोटे से काफी घर में मिलता है। नोरबू ने पूछा कि क्या वह उसके सामने बैठ सकता था। उन दोनों ने वार्तालाप आरंभ कर दी। नोरबू एक तिब्बती था, वो बीजिंग के एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता था। वह एक प्रकार के फील्ड वर्क के लिए वहां आया था। उसने बताया कि वो वहाँ कोरा परिक्रमा करने आया था। फंडकर्ता ने फैसला किया कि शायद नोरबू एक आदर्श साथी सिद्ध हो सकता था। उसने सुझाव दिया कि उसका सामान ले जाने के लिए कुछ याकों को किराए पर ले लिया जाए। उसके सुझाव को तुरंत मान लिया गया और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ऑल्सो द एंड ऑफ द सिलेबस ऑफ हॉर्नबिल। टुडे वी हैव फिनिश्ड द बुक हॉर्नबिल। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट। टुडे अप टू दिस।